أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتيسر ولا تعسر وتمهل بالخير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا و مولا الثقلين جد الحسن و الحسين ابي القاسم اللهم صل على محمد و ال محمد و على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين و لعنه الله على اعدائهم اجمعين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين اما بعد فقط سبحانه في الكتاب المبين هو أصدق القائلين وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلى الله عليه وسلم आशिकान आले रसूल मोहम्मद के दीवाने आले मोहम्मद के मुरीद मुसलसल जिक्र हुसैन में शिरकत फरमा रहे हैं मगर ये जिक्र ऐसा जिक्र है जो कयामत तक बाकी रहेगा चाहे हम रहें या न रहे मगर ये जिक्र बाकी रहेगा कोई इस बात की अनानियत और इस चीज का चैलेंज न करे इस चीज का दावा इफ्तिखार न करे और फख्र न करे कि ये आजादारी हमारी वजह से है नहीं बल्कि हम आजादारी की वजह से हैं आजादारी हमारी वजह से कोई इस चीज पर इफ्तिखार नाज न करे गुरूर न करे कि देखो मैं आला क्वालिटी का तबर्रुक बांटता हूँ कोई इस चीज पर नाज न करे कि मैं बेहतरीन मौलवी बुलाता हूँ कोई इस चीज पर नाज न करे कि मैं बेहतरीन एहतमाम करता हूँ कोई इस चीज पर नाज और गुरूर तकब्बुर और मुतकब्बिर न बने कि मैं सब कुछ एहतमाम करता हूँ खुदा की कसम तू जो सांस लेता है जो कुछ तू इंतजाम करता है यह सब शहजादी कौनैन मुहैया कर देती है यानी जो कुछ मिलता है दरे हुसैन से दर हकीकत में ये शहजादी फातिमा की तरफ से छोटा सा तोहफा होता है बल्कि आजादारी के सदके में तुझे इज्जत मिलती है तो हुसैन के सदके हुसैन की वजह से हुसैन के सदके में तू सभी लगाता है तो मोहल्ले में तेरा चर्चा होता है कि फला शख्स ने सभी लगाई है अगर कोई इंसान बेहतरीन तबर्रुक बांटता है तो इस चीज का वो बदला और उस चीज का इनाम लेता है कि माशाल्लाह से फला शख्स ने इतनी मेहनत और मशक्कत के साथ और बड़े मेहनत के साथ उसने पता ना जाने किस तरह से तबर्रुक के लिए पैसा इकट्ठा किया होगा और जिक्र हुसैन को और मजाली से हुसैन को बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ एहतमाम किया खुदा की कसम समाज में तो इज्जत होगी मगर दर
में शहजादी की शान में उसका मर्तबा बढ़ जाएगा। अगर कोई इंसान अगर रियाकारी के लिए करता है दर हकीकत में कि देखो मैंने बेहतरीन से बेहतरीन सबील लगाई है, मैंने बेहतरीन से बेहतरीन तवर्रु का एहतमाम किया है, मैंने बेहतरीन से बेहतरीन आला क्वालिटी का आला पैमाने का आला स्टेटस का फर्शी अजा बिछाया है, दर हकीकत में वो कुछ नहीं है, रियाकारी है। अगर इंसान ये समझता है कि मैंने जो कुछ किया है ये कुर्बतन इल्लाह की नियत से, दर हकीकत में उसकी समाज में भी इज्जत होगी, आखरत में भी इज्जत होगी, और अल्लाह सुभाना व तआला इस बात को कहेगा कि इसको जगह दे दो, इसको जगह दे दो, इसको जगह दे दो। लोग पूछेंगे क्यों जगह दे दे, कि तुम जानते नहीं हो ये हुसैन का खादिम है। सलवात पढ़ो जमाते आले मोहम्मद पर। एक बेहतरीन सलवात पढ़ो जमाते आले मोहम्मद। यह है हुसैन की बादशाहत, यह है हुसैन की शहंशाहत, यह है हुसैन का मर्तबा, यह है हुसैन का कमाल, यह है हुसैन का विकार, यह है हुसैन की बुलंदी, यह हुसैन का निशान, यह है हुसैन का इज्तिमा, यह है हुसैन की मंजिलत। अगर इंसान खाली हाथ तो आता है मगर खाली हाथ नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि दरे हुसैन एक ऐसा दर है। मैं जुमलों को बदल के अल्फाजों को बदल के क्यों कह दूं कि जब फरिश्ते खाली नहीं जाते दरे अहले बैत से, हम तो उनके चाहने वाले हैं। आइए अपने मौजू की जानिब बढ़ना हुआ आहिस्ता आहिस्ता। तीसरा रोज हो चुका, पढ़ा लिखा मजमा है, सुनाने का मेरा काम है, सुनने का आपका काम है। जरा बेदारी का सबूत दीजिएगा, ए खामोश बैठे रहो। अजीजाने गिरामी, परवरदिगारे आलम, बड़े इफ्तिखार के साथ और नाज के साथ अली की विलायत का ऐलान कर रहा है। क्या ऐलान कर रहा है? क्या कह रहा है मेरा परवरदिगारे आलम? इन्नमा वलीयुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनस ज़कता व हुम राकिऊन। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता है, नमाज को कायम करता है और हालत रुकू में ज़कात देता है। अज़ीज़ाने गिरामी, क्यों मेरा परवरदिगार आलम अली की विलायत का ऐलान बार बार अपने कलाम इलाही में बड़े इफ्तिखार के साथ और नाज के साथ ये कह रहा है कि सिर्फ मैं वली हूँ, मेरा रसूल वली है और मेरा अली वली है? यानी मेरा परवरदिगार कह रहा है मैं वली हूँ, मेरा रसूल वली है और मेरा अली वली है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में सिर्फ तीन ही वली है, कोई चौथा नहीं है। यानी कौन वली है? अल्लाह वली, उसका रसूल वली, और वो वली जो हालत रुकू में नमाज को कायम करता है और हालत रुकू में ज़कात देता है। आइए दो चार बातें जो रह गई थी मौलाए कायनात की वसीयतनामे में से मैं आपको सुना दूंगा, अगर आप सुनना चाहेंगे।
वरना मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने मौजू की तरफ बढ़ जाऊंगा, मगर वो भी मौजू में ही से है, ताकि बात से बात मिल जाएगी और बात मुकम्मल हो जाएगी। जरा फिक्र फरमाइएगा, जरा ज्यादा जहमत नहीं देने का हूँ आपको। परवरदिगार मेरे मौलाए कायनात अपने दोनों फर्जंद को हसन और हुसैन को वसीयत करते हैं। मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूँ हसन हुसैन कि अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ खाते रहना। फिर इमाम फिर फरमाते हैं वह इंदा तबियत दुनिया व इन भगत कुमार। ऐ बेटो, ऐ मेरे शेरो, ऐ मेरे लगते जिगरो, ऐ मेरे हसन हुसैन, मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूँ कभी दुनिया की तरफ मायल मत होना, बल्कि दुनिया को अपनी तरफ मायल करना। फिर इमाम फिर फरमाते हैं वला तासिफन अला शैइन मिन हाज़ोया अनकुमा। इमाम कहते हैं कि बेटा, अगर तुमसे कोई चीज ले ली जाए या तुमसे कोई चीज सल्ब कर ली जाए या तुमसे कोई चीज रोक ली जाए या तुमसे कोई चीज ले ली जाए तो उसमें कभी अफसोसा मत होना, उसमें कभी रंज मत करना, उसमें कभी अफसोस मत करना। फिर इमाम फिर आगे फिर इरशाद फरमाते हैं वकुला बिल हक के। ए बेटो, जो कुछ कहना हक के लिए कहना। फिर इमाम फिर आगे फिर इरशाद फरमाते हैं वो अमला बिल अजरे, जो कुछ करना आखिरत के लिए करना, जो भी सवाब अंजाम देना। ए मेरे लालो, ए मेरे बेटो, लगते चिगरो, सिर्फ आखरत के लिए अंजाम देना, दुनिया के लिए कोई काम अंजाम न देना। फिर इमाम ये फरमाते हैं इरशाद, क्या फरमाते हैं कि कूना लिज़ालिम, के बेटा कभी जालिम की मदद मत करना। वलिल मज़लूम आवन, क्या इमाम फरमाते हैं कि कभी जालिम की मदद मत करना, हमेशा मजलूम की मदद करना, हमेशा मजलूम की हिमायत कर फरमाना। तो इमाम फिर आगे फिर इरशाद फरमाते हैं वल्लाहु अल्लाह, क्या कहते हैं इमाम, वल्लाहु अल्लाह फिस्सलाते, ये बेटा मैं तुम्हें नमाज की ताकीद करता हूँ कि हमेशा अल्लाह से खौफ खाते रहना। फिर इमाम फरमाते फइन्नहा उमूद दीनकुम, बेटा नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का उमूद है। फिर इमाम फिर फरमाते हैं खाने काबा के बारे में कि वल्लाहु अल्लाह फी बेते रब्बिकुम, के बेटा अल्लाह से खौफ खाते रहना और बैतुल्लाह का ख्याल रखना, कभी इसे तन्हा मत छोड़ना। फिर इमाम फिर फरमाते हैं इरशाद अल्लाहु अल्लाह, यानी मौलाए कायनात ताकीद के साथ ऐलान कर रहे हैं, अपने बेटों को वसीयत नामा तहरीर फरमा रहे हैं कि बेटा अल्लाह से खौफ खाते रहना, अल्लाह से डरते रहना, कि कभी अल्लाह के घर को तन्हा ना छोड़ना। कि बेटा फिर इमाम फिर इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि इस दुनिया को छोड़ देना, क्योंकि ये दुनिया धोखेबाज है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ, सन्नाटा ऐसे छा गया है जैसे जनाबे मरियम की सुन्नत पर अमल कर लिया है। अरे मैं मौलाए कायनात का वसीयत नामा आपके समाजों के हवाले सुपुर्द कर रहा हूँ, यानी मेरे मौलाए कायनात वसीयत पर वसीयत कर रहे हैं, ताकीद पर ताकीद कर रहे हैं। इमाम फिर अगला जुमला फिर इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अल्लाह, के बेटा तुम अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ खाते रहना। फिर जिहादे वो अमवालेकुम वो औलादेकुम, बेटा तुम जिहाद करना अपने औलाद के जरिए, अपने माल के जरिए, अपनी जबान के जरिए। क्या मतलब, क्या इरशाद फरमा रहे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी जब दीन पर कोई मुसीबत आए, माल की जरूरत पड़े, तो दीन इस्लाम के खातिर अपना माल खर्च करना। अगर इस्लाम को औलाद की या खून की जरूरत पड़े तो बेटा अपनी औलाद की कुर्बानी देना। अगर बेटा अगर जबान की और ताकत की कुव्वत की जरूरत पड़े तो बेटा अपनी जबान के जरिए दीन की हिमायत करना, दीन की नुसरत करना, दीन का ताउन करना, दीन की मदद करना, दीन की इमदाद करना। अजीज आने गिरामी, जरा आपने
इस हदीस पर, इस वसीयत नामे पर आपने जरा गौर नहीं फरमाया है। इमाम अली सलातो वसलाम आखिर से लेकर और अभी तक वसीयत नामा अपने बेटों को हसन हुसैन को बयान कर रहे हैं और मुसन्निफ और राइटर इस बात को वसीयत नामे को तहरीर कर रहा है किस अंदाज में, किस तरीके से, किस नहज में, किस मिनहाज में, किस तरह से मौलाए कायनात के वसीयत नामे को तहरीर फरमा रहा है। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं आपकी समातों के हवाले मैंने कुछ कलामात, कुछ वसीयत नामा आप तक पहुंचा दिया मगर आपने मुलाहिजा फरमा दिया। मगर मुझे मालूम है कि जब तक बात की तशरीह ना होने की है, जब तक हदीस की तफसीर नहीं होने की है, जब तक बात की तोजी नहीं होने की है, जब तक बात की वजाहत नहीं होने की है, जब तक एक एक लफ्ज की, एक एक कलमे की, एक एक कलामत किसान की यानी खुल के दर हकीकत में एक एक माना की बात हकीकत में वजह ना हो तब बात सुनने में मजा नहीं होता है। जब तक इंसान उसके तहत जड़ तक ना पहुंचे तो खुदा की कसम जब तक लुत्फ नहीं आता है। कोई इमाम अली सलाम वसीयत कर रहे हैं अपने बेटों को हसन और हुसैन को, अपने बेटों को कि बेटा अल्लाह से खौफ खाते रहना। मैंने कल भी जुमला कहा था, फिर आज भी जुमला कह रहा हूँ कि बेटा अल्लाह से खौफ खाते रहना। मैं मुसलमानों ए शियो, ये अपने बेटों से नहीं कह रहे हैं, अगर हकीकत में तुमसे खिताब कर रहे हैं, ये तुमसे वसीयत नामा बयान कर रहे हैं। कभी ये ना कहे कोई इंसान के मौलाए कायनात तो सलोनी का दावा किया करते थे, कोई ऐसा कोई वसीयत नामा तहरीर नहीं फरमाया ताकि हमारी हिदायत कर सके। मौलाए कायनात ने बिल्कुल रास्ता साफ कर दिया और दुश्मन की साजिश का रास्ता बिल्कुल खत्म कर दिया। मौलाए कायनात ने ऐलान कर दिया 1400 साल से लेकर आज तक, और सैयद रजी ने अपने कलाम में नेचे पलागा में इस मौलाए कायनात को यानी जगह देकर बता दिया कि मौलाए कायनात जाते वक्त भी अपने शियों का कितना ख्याल रख रहे हैं, अपने शियों का कितना ख्याल रख रहे हैं, अपने शियों का कितना ख्याल रख रहे हैं। एक सलवात पड़ोस मत आले मोहम्मद पर, खुदा की कसम क्या अली की शान है। कह रहे हैं मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ दोनों को अल्लाह से खौफ खाते रहना, पर हकीकत में हसन हुसैन से नहीं है, आपसे किताब है। आज का जवान क्या करता है, खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, किसी को देख लेता है तो खुश हो जाता है। तवज्जो चाहता हूँ, यानी मौलाए कायनात अपने शो को वसीयत नामा तहरीर कर रहे हैं कि ये मत समझना कि तुम्हें अल्लाह देख नहीं रहा है। मैं कुरान की आयत पेश करूंगा, जब जाके बात हदीस और आयत जब जाके समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आने की है। यानी जब हद कुरान समझ में ना आए तो अहले बैत से समझो, जब हदीस समझ में ना आए तो कुरान से समझो, क्योंकि कुरान और अहले बैत बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने वक्त रुखसत और मैदान खून में इस चीज का ऐलान किया था, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम इन तारे को किए को सकलैन वो किताब अल्लाह व इतरती वो अहले बैत। मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्राम कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरे अहले बैत, एक कलामुल्लाह, एक कलामुल्लाह, एक मेरी इतरत जो अहले बैत है। यानी अगर तुम्हें कुरान समझना है तो मेरे अहले बैत से समझो, अगर हदीस को समझना है तो मेरे अहले बैत से समझो, क्योंकि अहले बैत की मिसाल नूह के कश्ती की तरह है, जो भी इसमें सवार हो जाएगा वही निजात पा जाएगा, जो भी इसमें सवार हो जाएगा वही फलाह पा जाएगा। अजीजाने गिरामी, यानी मौलाए कायनात क्यों वसीयत नामा तहरीर कर रहे हैं कि मैं तुम्हें दोनों को वसीयत करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, बल्कि यूं कहता हूँ ऐशियों में तुम्हें वसीयत नामा तहरीर करता हूँ, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ कि तुम अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ खाते रहना, अल्लाह से बिल्कुल डरते रहना। बिल्कुल क्यों, इसीलिए क्योंकि वो हर मोड़ पर देख भी रहा है और समझ भी रहा है कि ये मैं समझेगा क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं मेरे मौलाए कायनात। आज का जवान जब हद बिलोग तक पहुंचता है, जब बालिग होता है, जब उस पे अहकाम इलाही फर्ज होते हैं, जब उस पे अहकाम इलाही
गुनाह वाजिब होते हैं तो क्या होता है, तो उसे गुनाह कबीरा में मुब्तला होने का खौफ भी रहता है, उस चीज का रंजीदा भी रहता है, उस चीज का एहसास भी रहता है कि ऐसा गुनाह ना हो जाए ताकि अल्लाह नाराज ना हो जाए, ऐसा गुनाह ना हो जाए ताकि अल्लाह नाराज ना हो जाए। अजीज आने गिरामी, यानी मैंने ये देखा कि जब इंसान गुनाह करता है तो ये समझता है उसके जहन और दिमाग पर शैतान मुसल्लत हो जाता है, उसके दिल और दिमाग में शैतान वसवसा दिलाता है, मगर उसके दिल और दिमाग काम नहीं कर पाते हैं, मगर बाद में वो अफसोस करता है। मगर कुरान मजीद कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, ऐ मेरे बंदे खुदा क्या तू देख नहीं रहा है, क्या तुझे अल्लाह देख रहा है, क्या तू देख नहीं रहा है, क्या तुझे अल्लाह देख रहा है, चाहे कितनी सी कितनी बेहतरीन कोठी में चला जा, चाहे कितनी सी कितनी बेहतरीन दुबारे में चला जा, चाहे कितनी सी कितने बेहतरीन घर में चला जा, कहीं भी गुनाह कर ले, मगर तेरा खुदा अपने बंदे को देख रहा है। सलवात पढ़ो उस्मत आले मोहम्मद, अगर इस अर्शे के अंदर कुछ पहुंचाया ही नहीं, वसीयत इमाम अलैहिस्सलाम नहीं पहुंचाए, तो मेरा आने का कोई फायदा ही नहीं। तवज्जो चाहता हूं, सुनाने का मेरा काम है, सुनने का आपका काम है। जरा महसूस फरमाइएगा, जरा मुलाहिजा फरमाइएगा, जरा समात फरमाइएगा। अजीज आने के नामी फिर इमाम अगला जुमला फिर इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कभी दुनिया की तरफ भाग मत होना, कभी दुनिया के गुलाम मत बन बैठना, बल्कि तुम दुनिया का गुलाम मत बैठना, बल्कि दुनिया को अपना गुलाम बनाना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी मौलाए कायनात कह रहे हैं कि तुम दुनिया के गुलाम मत बनना, बल्कि दुनिया को अपना गुलाम बनाना, ताकि लोग कहें अमा ये किस बिरादरी से ताल्लुक रखता है, अमा ये किस बिरादरी से ताल्लुक रखता है, अमा ये किस जात से ताल्लुक रखता है, अमा ये कुछ कौन से ताल्लुक रखता है, ताकि अगर इमाम अली सलाम के इस कौल पर अमल कर लेगा तो बड़े इफ्तिखार से दूसरी कौम का आदमी कहेगा अमा ये दूसरी कौम से ताल्लुक नहीं रखता है, बल्कि ये अली का शिया है। अगर इंसान दुनिया का गुलाम बन गया, इमाम कहते हैं खुदा की कसम उसके लिए कुछ नहीं है। इमाम कहते हैं नेचे बलागा में एक जुमला याद आ गया, इमाम कहते हैं इस दुनिया की मिसाल दर हकीकत में एक सांप की तरह है, एक सांप की तरह है। क्यों? इमाम ने इसकी हदीस की तशरीह फरमाई, इमाम अली सलाम मस्जिद कूफा के मिंबर पर बैठे हुए पूछने लगा कि एक शख्स ने एक सांप की तरह है, इस दुनिया की मिसाल एक सांप की तरह है। आपने सांप तो देखा होगा, डंग मारता है अपने बिल में वापस चला जाता है, डंग मारता है अपने बिल में वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी दुनिया ऐसी है, कभी किसी का साथ नहीं देती है, बल्कि हर मोड़ पर हर जगह पर हर मकाम पर खड़े मौके पर धोखा देती है। यानी क्या मतलब? इमाम खुद कहते हैं अफसोस पर लानत है इस दुनिया पर, जो मेरी ना हुई तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी, जब मेरी ना हुई तो ये
समझ में आ गई हदीस या अब भी नहीं आई है तो जरा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अज़ीज़ाने गिरामी इमाम कहते हैं कि ये दुनिया जब मेरी ना हुई तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी, जब ये तुम्हारे इमाम की ना हुए तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी। एक मरतबा जनाबे कुमैल अलैहिस्सलाम, कौन है जिनके नाम से दुआए कुमैल मशहूर है, हर जुमेरात को पढ़ी जाती है, तवज्जो चाहता हूँ। जनाबे कुमैल को साथ लेकर मौलाए कायनात मस्जिद कूफे से बाहर निकले और एक पहाड़ की जानिब सहबान के और जंगल की जानिब गए। तवज्जो चाहता हूँ, नहजे बलागा से पढ़ रहा हूँ मैं, जरा गौर फरमाइएगा। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कुमैल का हाथ पकड़ा, पकड़ के एक बयाबान, एक सहरा, एक पहाड़ों की तरफ, जबल की, अजबाल की तरफ लेके गए। तो इमाम ने तीन मरतबा दुनिया को तलाक दी, कहा इमाम ने एक आवाज निकाली आ। तो मौलाए कायनात से मैंने पूछा, मौला जी कैसी आवाज थी? तो मैंने को जवाब दिया, मैं दुनिया बड़ी धोखेबाज है, ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है, अगर तुम दुनिया से मोहब्बत कर बैठोगे तो कुछ नहीं मिलने का धोखे के अलावा। अगर कुमैल, अगर तुम इससे लव कर बैठे, अगर इससे उनसियत और मोहब्बत प्यार कर बैठे कुमैल, ये दुनिया तुम्हें खड़े मौके पे धोखा देगी। कुमैल ये दुनिया अजीब है, कुमैल बेगैरत है, कुमैल इस दुनिया की आंखों में शर्म नहीं है। कुमैल जानते हो मेरे साथ इस दुनिया ने क्या किया, बल्कि इस दुनिया ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर इस दुनिया मुझे समझ लेती तो अल्लाह जाने में इस दुनिया को कहां लेकर जाता। कुमैल अफसोस होता है मुझे इस दुनिया पर, ये दुनिया एक सांप की तरह है, इस दुनिया की मिसाल एक बिल्कुल स्नेक और सांप की मानिंद है। ये दुनिया बड़ी खराब है कुमैल, ये दुनिया बड़ी खराब है। अब समझ में आई बात, इमाम क्यों कह रहे हैं, ए मेरे हसन हुसैन वइल्ला तकी दुनिया, कभी दुनिया की तरफ माइल मत होना, कभी दुनिया की तरफ कभी दिल लगा के मत बैठना, क्योंकि ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है, बल्कि दुनिया को अपनी तरफ माइल करना। अज़ीज़ाने गिरामी, क्या क्या कलामात है मेरे मौलाए कायनात के, जब हमारे असातिज़ा जब हमें नहजे बलागा पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि मौलाए कायनात कितने खूबसूरत लहजे में बयान कर रहे होंगे उस दौरान, जब सुनने में इतना लुत्फ है। तो जब मौलाए कायनात ने इस अंदाज में, इस लहजे में बयान किया है होगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे गुलाब से महक निकल रही होगी। एक सलवात पढ़ो अज़मत आले अल्लाह की कसम, क्या है ज़ाते अली, क्या है वकारे अली, क्या है ज़ाते मोहम्मद अरबी। समझे दुनिया क्यों, अब एक जुमला फिर हो गया, आ गया, आ गया, अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह से डरते रहना। फिर फरमाते हैं, फिर सलाते व इन्नहा अमूदतीनकुम, ए मेरे लाल, ए मेरे बेटो, ए मेरे शियो, ये नमाज जो है दीन का सुतून है, क्या है दीन का सुतून है। पैगंबर की दूसरे मकाम पे खुद पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं ताकि हदीस हदीस से मिल जाए और फिर फैसला हो जाए। इमाम क्या ऐलान फरमाते हैं, अस्सलातुद्दीन नमाज दीन का सुतून है। अब जरा मुझे बताइए कि कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कितने लोग मौलाए कायनात की वसीयत पर अमल करते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा भाई भी हो, अजीज आप जरा आगे तशरीफ ले आगे आ जाए थोड़ा थोड़ा, ये सलवात पढ़ो नबी आले मोहम्मद पर। सलवात पढ़ो अज़मत आले मोहम्मद आ गया। अल्लाह क्या ज़ाते